जिले के पामगढ़ में आज तहसील ऑफिस के सामने जनपद अध्यक्ष राजकुमार पटेल अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए हैं। मीडिया से बात करने पर उनका कहना है कि 2021 से 2023 तक क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों को 15वीं की प्राप्त राशि को बिना प्राकलन एवं बिना मूल्यांकन व सत्यापन के राशि को आहरण कर लिया गया, जिसकी जांच के लिए बामगढ़ जनपद अध्यक्ष राजकुमार पटेल ने जिला कलेक्टर और जनपद सीईओ सुश्री प्रज्ञा यादव को महीने भर पहले आवेदन दिया था, पर अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षुब्ध होकर आज जनपद अध्यक्ष राजकुमार पटेल अपने समर्थकों के साथ तहसील के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इनकी मांग को कब पूरा करते हैं। सबसे पहले तो सब मीडिया भाई मतलब मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मन जो भी हमारे क्षेत्र के जो कमी हो आप मन हाईलाइट करे जो है बताए बे आए हैं एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। हमन एक मांग लेके बैठे हैं कि हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत में 15वीं आयोग द्वारा पैसा भेजे गए हैं, जौन पैसा के बिना मूल्यांकन बिना इस्टीमेट बिना सत्यापन के पैसा हरण किए गए ओकर जांच होना चाहिए कि यही बात ले लेके बैठे हैं। काबर कि हमन आज से छः महीना पहले जनपद पंचायत स्तर में मांग करें पर भी जांच नहीं हुई, ओकर बाद में जिला पंचायत में 3-4 मांग में रखें लेटर दें ओकर बाद भी माँ जांच नहीं हुई, तब 24 तारीख के जाके एक सप्ताह के अंदर 30 तारीख तक जो अनियमितता है ओकर जांच किया जाए, अगर जांच नहीं हुए माँ 1 तारीख से आमरण अनशन बैठे के चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन 30 तारीख तक कोई भी प्रकार के जांच नहीं हुई एक नाम से आज आमरण अनशन में बैठे हैं। कलेक्टर साहब लीला अवगत कराए हैं लेटर के माध्यम से और जिला पंचायत भी लेटर के माध्यम से अवगत कराए हैं। जिला पंचायत तो उन्हर 25 तारीख के टीम गठित कर गरी से जे टीम में जनपद पंचायत पामगढ़ के सीईओ और आरईएस के एसडीओ और जिला के समन्वयक टीम गठित कर रही थे 3 जन के, जेमा गुरुवार शुक्रवार तक जांच करी कि जिला जनपद के सीईओ बोलतरी से, लेकिन एन वक्त में कल मैं जब फोन करें कि क्या स्थिति है कह के तो कल बताइस कि मैं हर जांच नहीं कर सका कि ऊँच कार्यालय में मैं लेटर दे दे हम एक नाम से मैं जांच नहीं कर सका कि कहीस, तो ये बात ले लेकर के आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 1 तारीख के हम आमरण अनशन में बैठे हैं। जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक आमरण अनशन में एक बैठे रहो, जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक बिना खाए पिए यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे रहो, जब तक हमार शरीर में सांस रही तब तक हमें लड़ाई लड़ते रहो और एक आमरण अनशन में बैठे रहो। मैंने अपने उच्च कार्यालय में सूचित कर दिया है, चूँकि जाँच टीम में मुझे भी उसमें रख दिया गया था और जनपद में चूँकि कार्य की अधिकता है और ये जो जांच की प्रक्रिया वो काफ़ी लंबी भी चलेगी और उसमें बहुत अधिक समय भी देना पड़ेगा, इसलिए मैंने वरिष्ठ कार्यालय में अपने निवेदन किया है कि मुझे इस जांच से हटा दिया जाए और मेरी जगह जिला स्तरीय किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष भी हो पाए और त्वरित रूप से इसका निराकरण हो सके। जी जी इसके संबंध में अब जो उच्च कार्यालय वहाँ से हमको पता चलेगा कि जो जाँच टीम है उसको चेंज किया जाएगा, उसके बाद ही फिर हो पाएगा आगे की कार्रवाई।